हेलो फ्रेंड्स, हम हैं इस समय टाटा नेक्सॉन XZ प्लस ऑप्शनल मॉडल में, और आज हम बताने जा रहे हैं क्रूज कंट्रोल फीचर के बारे में। तो आपके स्टीयरिंग के राइट हैंड साइड पे कुछ कंट्रोल्स दिए हैं क्रूज के। पहला बटन है क्रूज को एक्टिवेट करने का, सेकंड बटन है क्रूज को डीएक्टिवेट करने का, थर्ड बटन है स्पीड को डिक्रीज करने के लिए या फिर रीसेट का, फोर्थ बटन है आपका स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। तो इन चार बटन से ही हम स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं और अपने व्हीकल को एक सर्टेन स्पीड पे लाके और व्हीकल को क्रूज करा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे लेग्स को थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। अगर हम कभी लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं तो उस समय ये फीचर काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे ही क्रूज एक्टिवेट होगा, यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर की लाइट जलती हुई दिखेगी, जो कि ये इंडिकेट करती है कि आपकी व्हीकल इस समय क्रूज पे चल रही है। तो क्रूज कंट्रोल के थ्रू हम अपनी व्हीकल को चला रहे हैं, वो इंडिकेटर आपको यहाँ पे दिखेगा, जो कि एक ग्रीन कलर का लाइट जलेगी, हम आपको दिखाएंगे आगे। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करते हैं और रोड पे मिलते हैं आपको। तो हम आ गए हैं रोड पे और हम यूज़ करेंगे दो कैमराज, एक जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है फुल स्क्रीन पे, और एक टॉप राइट कॉर्नर पे दिख रहा है जिस पे हम लेग कंट्रोल्स को मॉनिटर करेंगे, क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर को। तो चलते हैं एक सर्टेन स्पीड पे, जो कि थर्ड गियर में एटलीस्ट आपकी 30 स्पीड होनी चाहिए, जो कि मैक्सिमम 80 तक हो सकती है, फोर्थ पे 40 और मैक्सिमम 120, फिफ्थ पे 50 किलोमीटर्स एंड 140 किलोमीटर मैक्सिमम। तो जो मिनिमम स्पीड बताई गई है 30, 40 एंड 50 थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर पे, तो एटलीस्ट ये मिनिमम स्पीड हमें मेंटेन करनी होगी क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट करने के लिए। तीसरे गियर पे हैं और 30 से ज़्यादा स्पीड है हमारी, हमने क्रूज को ऑन कर दिया और एक्टिवेट कर दिया। ऑन करेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप एक्टिवेट करोगे आपको एक हरे कलर का सिंबल दिखेगा, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि क्रूज हमारा ऑन हो गया है और गाड़ी हमारी क्रूज पे चल रही है। इस समय क्रूज कंट्रोल एक्टिवेटेड है और जैसा कि हम देख सकते हैं, हम एक्सीलेटर पे पैर नहीं रखे हैं और फिर भी हमारी गाड़ी क्रूज कंट्रोल से 40 की स्पीड में चल रही है। तो अब हमें रिक्वायर्ड है कि हमें स्पीड बढ़ाना है, तो स्पीड बढ़ाने के लिए आप एक्सीलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कि मुझे 50 के स्पीड पे करना है, तो मैंने थोड़ा सा एक्सीलेटर लिया, स्पीड बढ़ रही है हमारी, और जैसे ही हम 50 पे आ जाएंगे हम इस रीसेट बटन को दोबारा प्रेस कर देंगे, तो हमारी जो वो स्पीड रहेगी करंट स्पीड, वही सेम स्पीड पे गाड़ी क्रूज होने लगेगी। अब मान लीजिए हमें स्पीड कम करना है, स्पीड कम करने के लिए आप इन दोनों बटन्स का यूज़ कर सकते हैं, ये स्पीड बढ़ाने के लिए है, ये स्पीड कम करने के लिए। सपोज़ कि मुझे 48 की स्पीड पे आना है, तो मुझे दो बार इसको प्रेस करना होगा और मैं 48 पे आ जाऊँगा, तो मेरी स्पीड कम हो रही है। और अगर स्पीड बढ़ानी है तो मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो स्पीड बढ़ेगी मेरी। एक बार प्रेस किया मैंने, मैं एक बार और प्रेस करता हूँ, तो एक बार प्रेस करने पे 2 times ही स्पीड बढ़ा देगा। ये बटन है क्रूज़ को डीएक्टिवेट करने के लिए, हम क्रूज़ को इससे भी डीएक्टिवेट कर सकते हैं, और या तो हम ब्रेक मार दें या फिर क्लच ले लें। ब्रेक या क्लच किसी को भी दबाने पे क्रूज़ डीएक्टिवेट हो जाएगा। मैंने एक्सीलेटर पे पैर नहीं रख रखा है, लेकिन गाड़ी हमारी चल रही है 52 की स्पीड में, क्योंकि हम क्रूज़ से इसको कंट्रोल कर रहे हैं। ये क्रूज़ के बटन्स हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे ब्रेक के थ्रू डीएक्टिवेट करना है, तो मैं जस्ट ब्रेक जरा सा मारूंगा और आप देख सकते हैं क्रूज़ कंट्रोल डीएक्टिवेट हो गया है। कैसे पता चला? क्योंकि वो जो ग्रीन कलर का सिंबल था वो बंद हो गया है। अब मैं फिर से लगाऊंगा, क्योंकि हम तीसरे गियर में हैं और 43 के स्पीड पे हैं, तो हम मैं फिर से अगर दबा देता हूँ इसको रीसेट के बटन को, तो फिर से हम क्रूज पे आ जाएंगे।
अगर मुझे स्पीड बढ़ानी है तो मैं प्लस प्रेस कर सकता हूँ और स्पीड हमारी बढ़ रही है, या फिर मैं एक्सीलेटर लूँगा थोड़ा सा और रीसेट पे क्लिक कर दूँगा तो हमारी स्पीड जो है उसी कांस्टेंट स्पीड पे हमारी गाड़ी चलेगी। मैं फिर से डीएक्टिवेट कर रहा हूँ क्रूज को। तो ये है क्रूज कंट्रोल फंक्शन। मैं अब चौथे गियर में क्रूज लगाऊंगा, तो चौथे गियर में एटलीस्ट हमारी स्पीड जो है 40 की होनी चाहिए, हमारी 54 है तो हम ट्राई करते हैं पहले 40 की स्पीड पे आके। हम स्पीड थोड़ी कम करते हैं और 40 की स्पीड पे आने देते हैं गाड़ी को, फिर क्रूज लगाएंगे। अब हमारी लगभग 40 के आसपास हो गई है स्पीड। अब मैंने जैसे ही 40 हुई स्पीड मेरी, चौथे गियर पे हमारा क्रूज एक्टिवेट हो गया, लेकिन एक्टिवेट करने के लिए मैंने ये बटन प्रेस किया था तब एक्टिवेट हुआ है, अपने आप नहीं। क्रूज अपने आप कभी भी एक्टिवेट नहीं होता है। अब मैं अगर स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ, सपोज कि मैं 50 करना चाहता हूँ स्पीड को, तो मैं ज़रा सा एक्सीलेटर लूँगा जिससे कि स्पीड बढ़ जाएगी, और फिर से रीसेट बटन पे क्लिक कर दूँगा जिससे कि वो करंट स्पीड जो है क्रूज पे सेट हो जाएगी। रीसेट बटन क्लिक नहीं हुआ था सर, मैं दोबारा करता हूँ। मैं 50 प्लस हो गया स्पीड पे, अब मैं दोबारा रीसेट बटन पे क्लिक कर दिया तो 52 मेरी स्पीड सेट हो गई। अब क्रूज को डीएक्टिवेट करने के लिए मैं ये बटन भी दबा के आपको दिखाता हूँ। मैंने ये बटन प्रेस किया और देखिए वहाँ पे क्रूज डीएक्टिवेट हो गया। आपको जब भी ज़रूरत हो ओवरटेक करने के लिए, सपोज़ कि मुझे आगे वाली व्हीकल को ओवरटेक करना है, तो ओवरटेक करने के लिए हमने क्या किया, सिंपली हम अपना एक्सीलेटर ले रहे हैं, अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे, अगले को ओवरटेक करेंगे और फिर से जैसे ही एक्सीलेटर छोड़ेंगे हम पर्टिकुलर उसी स्पीड पे वापस आ जाएंगे जिस पे हमने कंट्रोल सेट किया था। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और एक बात आप ज़रूर ध्यान रखिए, जब भी आप क्रूज़ कंट्रोल यूज़ कीजिए तो आप ये मेक श्योर ज़रूर करें कि रोड खाली हो, तभी क्रूज़ का यूज़ करें। अदरवाइज़ आप किसी लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं अगर, वहाँ पे क्रूज़ का बहुत ही अच्छा यूज़ होता है। हम टाटा नेक्सॉन से ही नोएडा से और लखनऊ तक आए थे वाया आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, तो हमने वहाँ पर यूज़ किया था इसको, तो आप हमारी वो वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड सेफ।